शराब घोटाले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल की जमानत पर जहां आम आदमी पार्टी खुश है, वहीं बीजेपी निशाना साध रही है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिल गई बेल, लेकिन अभी रहना होगा जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एक चुने हुए निर्वाचित नेता हैं। ऐसे में ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने पद पर बना रहना चाहते हैं या फिर नहीं। कोर्ट इस बाबत कोई आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। और जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। सेक्शन 19 में अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन की नीड ऑफ अरेस्ट क्या है, इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चन को लेकर उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि फिलहाल केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में है और उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है। इधर बेल की खबर आई, उधर दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो गया। आम आदमी पार्टी इसे सच की जीत बताने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी बोली, जेल वाले सीएम अब अंतरिम बेल वाले सीएम हो गए। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। कुछ वक्त पहले तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर जमकर भड़ास निकाली। दिल्ली के लोग कोविड से परेशान थे, जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई लड़ रहे थे, बेड की लड़ाई लड़ रहे थे, तब केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ बैठ के शराब माफियाओं को मदद करने के लिए पीक कोविड में इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। और मेरा ये क्लियर मानना था, अगर हम केजरीवाल जी से दिल्ली में हाथ नहीं मिलाते, परंतु वो लड़ाई संविधान की लड़ाई थी, अगर हम हाथ नहीं मिलाते, दिल्ली में जिस तरीके से हरियाणा में, जिस तरीके से पंजाब में, जिस तरीके में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहा है, दिल्ली में भी ले रहा था। तो सुना आपने, कांग्रेस तो दिल्ली में खराब प्रदर्शन के लिए ही आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने लगी। खैर, आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखें तो अंतरिम जमानत वाली खबर उसके लिए बड़ी राहत है, भले ही केजरीवाल अभी बाहर ना आ पाए। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एक चुने हुए निर्वाचित नेता हैं। ऐसे में ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने पद पर बना रहना चाहते हैं या फिर नहीं। कोर्ट इस बाबत कोई आदेश नहीं दे सकता। ABP News आपको रखे आगे।